है हिम्मत तो चला दे गोलियां पप्पू यादव पे, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, चला दीजिए गोलियां। पप्पू यादव और उनके लोग कभी डरने वाले नहीं है। ये सनातनी आजकल के पैदा हुए कुछ लड़के जो हिंदू सनातनी बता रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, अगर आप सनातनी और दो धर्मों में बंटकर अगर इस लड़ाई को लड़िएगा तो हो सके कि कल का घर आपका भी जले। जिस देश में अपराध इतने चरम सीमा पर हो कि जेल में बैठकर लोग हत्या करवा रहे हो और उसके बाद हत्या की जिम्मेदारी भी ले रहे हो, वहाँ के तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव डर गए, जो कहते थे कि 24 घंटे के अंदर 2% के गैंग का खात्मा कर देंगे, वो अब सुरक्षा मांग रहे हैं। पप्पू यादव के साथ हम लोग खड़े हैं, देश और बिहार का यूथ खड़ा है। इतना बड़ा गैंग को तो लॉरेंस बिश्नोई का नहीं होगा कि पप्पू यादव के काफिलों को रोक दे, पप्पू यादव के लोगों को रोक दे। संरक्षण में वो पल रहा है ऐसा लोग। कुछ दिनों पहले तक ईडी और सीबीआई से डरा रहे थे, लेकिन जब लोग उससे भी नहीं डर रहे हैं तो लॉरेंस बिश्नोई को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। पप्पू यादव को ही जान से मारने की धमकी मिलती तो देश का सबसे कम उम्र का एक बच्चा अभिनव अरोरा, कल उसके भी माता को जान से मारने की धमकी मिली है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। लगातार पप्पू यादव जो है केंद्र सरकार हो या नीतीश कुमार जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दी नहीं जा रही है, जिसको लेकर पप्पू यादव ये तक कहते हैं कि अभी जो है सुरक्षा नहीं दे रहे, बाद में श्रद्धांजलि देने आ जाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पप्पू यादव के करीबी नेता मनीष यादव जी हैं। सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है पप्पू यादव को लगातार वो मांग रहे हैं? एक तो आप लोग सवाल गलत उठा रहे हैं और गलत शायद आप लोग सवाल बात ही कर रहे हैं कि सिर्फ पप्पू यादव को धमकी नहीं मिल रही, ऐसा मत कहिए। धमकी देश के हर उस लोगों को मिल रही है जो कहीं ना कहीं अपराध का विरोध कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अपराधी का विरोध कर रहा है, जो कहीं ना कहीं चाहता है कि ये मुल्क शांति से रहे, मुल्क के जो वासी हैं निवासी हैं जो 130 करोड़ जनता है वो शांति से रहे, हर उन लोगों का। अब एक बात बताइए, अगर पप्पू यादव को ही जान से मारने की धमकी मिलती तो देश का सबसे कम उम्र का एक बच्चा अभिनव अरोरा, कल उसके भी माता को जान से मारने की धमकी मिली है? और ये सनातनी आजकल के पैदा हुए कुछ लड़के जो हिंदू सनातनी बता रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, उनसे सवाल पूछिए जाकर कि पप्पू यादव तो छोड़िए, पप्पू यादव ने तो विरोध किया, वो 15 साल का बच्चा अभिनव अरोरा, उसके माँ बाप को जान से मारने की धमकी मिल रही है, सबसे बड़ा सनातनी इस देश का छोटा बच्चा है वो। तो लगातार हर जगत के लोगों को, संगीत जगत कह लीजिए, राजनीतिक जगत कह लीजिए, धार्मिक जगत के लोगों को भी अब जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, हर लोग जो समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं उन सभी लोगों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसमें सिर्फ पप्पू यादव इस फहरिस्त में नहीं है। अगर इस तरह के आतंकवादियों को, इस तरह के गैंग को ख़त्म करना है तो एकजुट होकर इस देश को लड़ाई लड़ना होगा। अगर आप सनातनी और दो धर्मों में बंटकर अगर इस लड़ाई को लड़िएगा तो हो सके कि कल का घर आपका भी जले। पप्पू यादव डरे हैं कि नहीं? नहीं, पप्पू यादव क्यों डरेगा भाई? पप्पू यादव के साथ हम लोग खड़े हैं, देश और बिहार का यूथ खड़ा है, फिर पप्पू यादव को डरने की? इतना बड़ा गैंग को तो लॉरेंस बिश्नोई का नहीं होगा कि पप्पू यादव के काफिलों को रोक दे, पप्पू यादव के लोगों को रोक दे। हर गांव में, हर बस्ती में, हर कस्बा में पप्पू यादव के लोग और उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए गोली खाने वाले लोग हैं। तो लड़ाई लॉरेंस बिश्नोई से है ही नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। फिर लड़ाई अपराध से है, अपराधियों से है, उसको संरक्षण देने वाले नेताओं से है, और ये लड़ाई देश के उन नेताओं से है जो ऐसे गैंग और नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं। ये लड़ाई गृह मंत्रालय के उन नेताओं से है जो कहीं ना कहीं अपने नेतागिरी के आड़ में और अपने मंत्रालय के आड़ में लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षा दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव डर गए, जो कहते थे कि 24 घंटे के अंदर 2% के गैंग का खात्मा कर देंगे, वो अब सुरक्षा मांग रहे हैं। नहीं, आप पप्पू यादव के बयानों को तोड़ मरोड़ कर मीडिया पेश कर रही है। आप एक बात समझिए, गैंग का खात्मा करने का मतलब हर उन अपराध करने वाले अपराधियों का खात्मा करेंगे, उनको सलाखों के पीछे रखेंगे। नेता का कहने का ये बयान था, लेकिन जिस देश में अपराध इतने चरम सीमा पर हो कि जेल में बैठकर लोग हत्या करवा रहे हो और उसके बाद हत्या की जिम्मेदारी भी ले रहे हो, वहाँ के तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि जिस देश की ये स्थिति और आप अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं और एक व्यक्ति अगर आपके कंट्रोल से बाहर है तो लानत और धिक्कार है आपके इस विश्व गुरु और इस देश पे। जेल में बंद है फिर भी वहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, वो हमने तो आपको कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा हाथ है। संरक्षण में वो पल रहा है ऐसा लोग, और कहीं ना कहीं जब संरक्षण है तो वो किसी को भी मार सकता है। एक बात समझिए कि लोग कुछ दिनों पहले तक ईडी और सीबीआई से डरा रहे थे। जब आप उनके पक्ष में नहीं आ रहे थे तो ईडी सीबीआई 10 तरह की चीज़ें लगा दी जा रही थी, लेकिन जब लोग उससे भी नहीं डर रहे हैं तो लॉरेंस बिश्नोई को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद आप जेल नहीं, सीधे ऊपर जाइएगा। सरकार का यही समझिए पूरा कह सकते हैं कि एजेंडा सेट है। ईडी सीबीआई से जो नहीं डरा उसको हम लोग डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई से डराएंगे। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? 9 ठिकानों का पता है उन लोगों को, सब चीज़ डिटेल में। एक बात बताइए, मुझे तो लगता है कि देश का एकमात्र ऐसा नेता है जो पूरे एक दिन में
पचासों जगह घूमता है, 9 किया, 1000 ठिकानों का पता लगे, है हिम्मत तो चला दे गोलियां पप्पू यादव पे, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, चला दीजिए गोलियां। डरने वाला नहीं है। नहीं नहीं, डर डरने का क्या बात है भाई, जो देश हित में और राज्य हित में बात करो वो व्यक्ति डरा है क्या? सरहद पे जो लोग सेना का बंदूक ताने खड़ा है दुश्मनों के सामने, वो डरते हैं क्या? वो जानते हैं कि हम जब तक यहाँ खड़ा है हमारा देश सुरक्षित है। हम लोग भी जानते हैं कि जब तक पप्पू यादव बिहार और देश में खड़ा है हमारा देश, हमारे देश के हर क्षेत्र के लोग सुरक्षित हैं। तो पप्पू यादव और उनके लोग कभी डरने वाले नहीं है। सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं भाई? सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए ना। सुरक्षा जब चिराग पासवान जी को मिल रही है, सुरक्षा जब कंगना रनावत को मिल रहा है भाई। कंगना रनावत कौन देशभक्त है और कंगना रनावत कौन लीडर है? जब 7 बार के एमपी को सुरक्षा नहीं मिलेगा और कंगना रनावत को सुरक्षा मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस देश कहाँ जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को इतना सुरक्षा है, जो कांड करके आया उसको एक नेता और समाज सेवी से ज़्यादा सुरक्षा है, तो पप्पू यादव को सुरक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एकदम सुरक्षा मिलनी चाहिए, और डर के लिहाज से नहीं, समाज के लिहाज से सुरक्षा मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार मिलने का समय ही नहीं दे रहे आपके नेता। अब वो नीतीश कुमार जाने, हमारे नेता जाने, एक मैंने एक आम बिहार के वासियों का आपको फीलिंग बताया है, जनता का आपको फीलिंग बताया है कि जनता क्या चाहती है। नेता जाने किसको सुरक्षा देंगे नहीं देंगे, कल के डेट में पप्पू यादव की हत्या होगी तो बिहार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे, देश के गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे, इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कल के डेट में अगर उनकी हत्या होती है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पप्पू यादव के करीबी नेता मनीष यादव जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पप्पू यादव को कुछ होता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे, गृह मंत्री जिम्मेवार होंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।